तुम्हारे की छुट्टी हो रही, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो है बहुत सारा धमाकेदार, क्योंकि इस गर्मी जब कुछ नहीं आ रहा था, इस गर्मी, इस मई जून जुलाई की गर्मी जब कुछ भी नहीं आ रहा है, तब बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिली है हमको इस गर्मी में। और वो गुड न्यूज जो सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ और ऐसा मजेदार बात करने वाला हूँ आज आपके साथ, जिसको सुन के खुश हो जाओगे। मिर्जापुर जैसी एक हॉलीवुड की मूवी है, जस्ट लाइक मिर्जापुर, बिल्कुल वही मिर्जापुर, वैसी ही दादागिरी, वैसी ही मजेदार, वैसी ही गालियों से भरी, वैसी ही एकदम अट्रैक्टिव, वह बस याद नहीं आ रहा, बस वही समझ लो कि जस्ट लाइक दैट, जैसी मिर्जापुर वैसी ही द बॉयज। तो देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप सब। आपको इस गर्मी में कुछ देखना है, कुछ नया देखना है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये डेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस डेट तक का इंतजार कीजिए। एक ऐसी, एक इतनी अच्छी, एक इतनी प्यारी, सच में ये तीनों वर्ड उसके लिए है। और इफ यू वॉन्ट टू एंटरटेन योर सेल्फ ऑन दिस फकिंग गर्मी, तो ये वेब सीरीज आपके लिए। वेब सीरीज का नाम है द बॉयज, द बॉयज, तो वेब सीरीज का नाम है द बॉयज और सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज को बहुत लोगों ने देखा नहीं है। आई एम टोटली सेइंग, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, इस वेब सीरीज किसी ने देखा ही नहीं है, बहुतों ने नहीं देखा अपने इंडिया में, बहुतों ने मेरे शहर में भी नहीं देखा है, पता नहीं देखा भी होगा। लेकिन इस वेब सीरीज को जब मैंने पहली बार देखा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी क्वेश्चंस, कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं देखा था कि क्यों देख रहा हूँ ये वेब सीरीज, क्या ही है इस वेब सीरीज में। लेकिन जैसे ही देखना स्टार्ट किया इस वेब सीरीज को, तैसे ही मेरा इंटरेस्ट जागने लगा, और जागने के बाद ऐसा जागा कि रुकने का नाम नहीं लिया। एक सीजन खत्म, दो सीजन खत्म, तीन सीजन खत्म, चौथे का वेट, और चौथा आते ही उसको भी फिनिश करके दिखा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि इस वेब सीरीज का वेट कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग नहीं, पूरी दुनिया कर रही है आई थिंक सो। क्योंकि द वॉइस के जो फैंस है ना, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, द वॉइस के फैन ऑल ओवर वर्ल्ड है। क्योंकि इस वेब सीरीज की जो लैंग्वेज है, मेसरी लैंग्वेज है भाई साहब, जो डायलॉग्स डिलीवरी है, जो मेसरी डायलॉग डिलीवरी है भाई साहब, इंग्लिश डायलॉग्स तो अच्छे हैं ही, ऐसा नहीं कि इंग्लिश डायलॉग अलग है हिंदी डायलॉग, नो नो नो, इंग्लिश डायलॉग जैसे हैं, जब उसको हमारे ये मिमिक्री आर्टिस्ट, अभी याद नहीं आ रहा है तो बस इसको मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सब नहीं आ रहा, याद आ रहा है, तो जितना अच्छी तरीके से संकेत महात्रे जी और अदर दूसरे एक्टर जो इसको आवाज़ दिए हैं अपनी, भाई साहब प्यार हो जाता है उनकी ये बकवास सुनकर, उनकी ये बातें सुनकर, उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनकर, यू लव इट। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वेब सीरीज, जल्द ही आने वाली है अमेजोन प्राइम पर। मैंने अपना पैकेज फुल करा कर रखा है प्राइम वीडियोस का, आप भी जाकर इसको जरूर देखना, वादा करता हूँ ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी ही आएगी। लेकिन एक रिकमेंडेशन है आप सभी को कि उसके पहले इसके सीजन वन, सीजन टू और सीजन थ्री जरूर देखिएगा, तभी आप इंटरेस्ट, तभी आपको मजा, तभी आपको वो इंथुजियाज्म, तभी आपको वो प्यार, तभी आप कैरेक्टर को, और तभी आप पूरी वेब सीरीज को, पूरे होल को, पूरे होल द बॉयज को समझ पाएंगे। या जरूरी है उन तीन एपिसोड्स को देखना, तभी आप वो कड़ी, वो जो चैन चलकर आ रही है अभी तक, वो समझ पाओगे। तो प्लीज उन सारी सीजन्स को देख लो, अभी टाइम है, जाओ जाकर देखो, क्योंकि इसको रिलीज होने में थोड़ा टाइम है, कुछ ही दिन का टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम है, तो वेट मत करो, अभी से कल से देखना स्टार्ट कर सकते हो तुम द बॉयज का सीजन फर्स्ट, सीजन टू, सीजन थ्री, गो एंड वॉच। और अगर तुमने ये तीन सीजन देख लिए ना, तो चौथा सीजन का वेट मुझसे ज्यादा करने लगोगे, चौथा सीजन का वेट मुझसे ज्यादा करने लगोगे और मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर रखोगे, क्योंकि ये है ही, जिस तरह से तुम मिर्जापुर के लिए ताके हुए हो, जिस तरह से तुम मिर्जापुर के लिए, जिस तरह तुम मिर्जापुर थ्री के लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, जिस तरह से तुम्हारे अंदर का जो एक्साइटमेंट का कीड़ा है, जो सिनेमा का कीड़ा है, वो मिर्जापुर के लिए जाग रहा है, मिर्जापुर सीजन थ्री के लिए जाग रहा है, उसकी उसी तरह अब इसके लिए भी जागने वाला है। जाओ
सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 द बॉयज की देख डालो, पागल हो जाओगे देखने के बाद. एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा.